अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आयशा स्टफ। तो हमारा दिन शुरू हुआ था बेट सेट करने से। ये तो एक एडवेंचर, एक जर्नी है जो कभी कभी एक रेसलिंग मैच भी बन जाती है वैसे। सो सेट करने के बाद मैं किचन की तरफ ऐसे भागी जैसे जेम्स बॉन्ड मिशन पे जा रहा हूँ। खैर, आज ब्रेकफास्ट का कोड क्रैक करना है तो हमने जो है वो देसी नाश्ता बनाया अपने लिए। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं गई थी ऊपर और इंतहा की गर्मी है, लाइक इतना ज़्यादा टेम्परेचर 40-41 डिग्री से तो टेम्परेचर ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस हैवी गर्मी, लुक एट द व्यू। अब बहुत प्यारा सा गांव है। अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने अपने गांव का टूर कराया था, तो मस्ट श्योर कि आप वो व्लॉग जाकर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, मेरी स्टडी। खैर, मेरी स्टडी जो है वो चलती ही रहेगी क्योंकि कामयाबी का जो सफ़र है वो हमेशा आसान नहीं होता। रुकावटों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सफ़र के दरमियान में शदीद लंबा इंतज़ार, और इतना लंबा इंतज़ार, उसके लम्हे इतने लंबे होते हैं कि इंसान थक जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रुकावट जो आप पार करते हैं, हर नाकामी जो आप सहते हैं, सिर्फ आपका इरादा मजबूत करती है और आपकी हिम्मत को और बढ़ाती है, मजबूत करती है। यही कुछ सोच है जो कि मुझे बार 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 एक ही चीज़ पे काम करने पे मजबूर करती है और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। इंशाल्लाह एक दिन आई विल बी सक्सीड। ले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, फिर मैंने अल्लाह पे भरोसा किया और अपनी सलाहियतों पे यकीन किया। उन सब स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये दुनिया आपकी है, अपनी शानदार सलाहियतों को आज़ाद करें, अपनी रोशनी को सबके लिए चमकने दें। और याद रखें, आप काबिल हैं, आप अजीज़ हैं और आपके लिए बुलंदियों की तरफ रास्ता है। तो बाहर निकलें और वो करें जो करना है। सो कहीं पढ़ा था कि सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी सक्सेसफुल। सो बस यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट कर। ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद आई एम बैक टू किचन। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने जो फ्रिज खोला तो मुझे जो जो चीज़ें नज़र आई वो सारी चीज़ें उठाई, और आई डोंट नो मैं क्या बना रही हूँ, बट जो भी बना रही हूँ वो आप देखिएगा और आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। ये कोई रेसिपी नहीं है, ये मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी है, तो अगर किसी को अच्छा नहीं भी लगता तो जस्ट इग्नोर दैट। मैंने जो है वो फ्राइज़ बनाने थे तो मैंने आलू जो है वो सोख करके रख दिया और फिर उसमें नमक भी डाल दिया थोड़ा सा। इस तरह से आई थिंक ज़्यादा अच्छे फ्राइज़ बनते हैं। कुछ देर के लिए आलू इस तरह से मैंने सोख करके रख दिए और फिर उसके बाद जो है वो मैंने प्याज काटे और मैंने गाजर। समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी इस रेसिपी को क्या नाम दूँ। सो इन सारी चीज़ों को काटने के बाद, रेडी करने के बाद मैंने क्या किया कि सिंपली आलुओं को जो है वो फ्राई किया, ठीक है, ऑयल में। फ्राई करने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट बनी है वो कुछ इस तरह की है। सो ये बहुत मज़े का बना था। मैंने वाइट सॉस बनाई थी। वाइट सॉस बनाने के बाद जो है गाजर और प्याज को जो है वो सिंपली फ्राई किया और उसमें सॉसेस डाले, और सॉसेस डालने के बाद वाइट सॉस बना के और वाइट सॉस को इस तरह से ऊपर डाल दिया और साथ में फ्राइज रखे, और इतना मज़ेदार था ये, इतना मज़ेदार था कि मज़ा आ गया। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और ये बस अचानक से मेरे माइंड में ये रेसिपी आई और मैंने कर लिया। खैर, साथ साथ मैंने फ्रेंड्स की एक एपिसोड देखी और फिर जो है वो मैंने अपना खाना एंजॉय। मी टाइम होता है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है, लाइक अपने साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड सीजन है, इसमें सारे कैरेक्टर्स लाइक जॉय का फूड ऑब्सेशन, मोनिका का ओसीडी, फीबी की थ्योरीज और रेचल की फैशन ब्लंडर्स। सो फ्रेंड्स का हर एक कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार है। जोई का हाउ आर यू डूइंग एंड रॉस का वी आर ऑन अ ब्रेक एंड फीबी का स्मैली कैट जस्ट लव। अभी अभी मदर्स डे गुजरा है और मुझे उसका एक ऑर्डर रिसीव हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। ये एक पेंडेंट है जो कि मैंने खुद बनाया था, इस दिन से बनाया था, और ये हमने पैक करना है और साथ साथ में ये स्क्रंची पैक करनी है और साथ में ही ये कैंडल्स पैक करनी है जो कि मेरी स्पेशल कैंडल्स हैं, लाइक बबल कैंडल और ये दो ग्लास जार कैंडल्स जिसके ऊपर जो है वो मदर्स के लिए कोटेशंस लिखी हुई हैं, और ये हम पैक करते हैं। इसके बाद जो है वो मैंने कुछ फ्लावर्स भी इसमें ऐड कर दिए थे अच्छी लुक के लिए, क्योंकि ये बहुत प्यारी बास्केट बन रही थी तो मैंने सोचा कि फ्लावर्स कुछ ऐड कर देते हैं। तो ये थी बास्केट की फुल लुक। आप लोगों को भी इस तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी बास्केट्स बनवानी है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें। और ये लास्ट मील जो है वो मेरे डे का वो ये है फ्रूट्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़रूरी हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, अपनी
बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए. सो मैंने अपनी डाइट जो है वो थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश की है. सो गर्मियों का मौसम है, तो इस गर्मियों के मौसम में जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ.